कोरोना वायरस अब नक्सलियों के बीच पहुंच चुका है। जंगलों में छुपकर रहने वाले नक्सलियों में कोरोना संक्रमण इस कदर फैल गया है कि 10 से अधिक नक्सलियों के मरने की खबर आ रही है। नक्सली लीडर सहित 100 से ज्यादा नक्सलियों में बीमारी होने की खबर आई है। अब ये नक्सली दवाइयां और वैक्सीन लूटने में जुट गए हैं। कोरोना का संक्रमण नक्सलियों तक पहुंच गया है। पिछले कई दिनों में 10 से ज्यादा नक्सलियों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को 8 के शव जलाने की जानकारी भी मिली है। दंतेवाड़ा SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि जिन नक्सलियों की मौत हुई है वे दक्षिण बस्तर इलाके के हैं। उनके नामों के बारे में पता किया जा रहा है। पल्लव का दावा है कि सुकमा में तो नक्सलियों ने संक्रमण से लड़ने के लिए वैक्सीन और दवाएं भी मंगवाई हैं। SP पल्लव ने अपील की है कि जो नक्सली बीमार हैं वे आकर सरेंडर कर दें, पुलिस उनका इलाज कराएगी। कहा जा रहा है कि कोरोना और फूड पॉइजनिंग अब नक्सलियों के सामने बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। जिन नक्सलियों की मौत हुई है उनमें कुछ बड़े कैडर के बताए जा रहे हैं। पुलिस को यह जानकारी भी मिली है कि कुछ दिन पहले कोंटा और दोरनापाल इलाके में नक्सलियों ने कोरोना वैक्सीन और दवाइयां लूटी थी। नक्सली लीडर सहित 100 से ज्यादा के बीमार होने की खबर सामने आ रही है। दक्षिण बस्तर डिवीजन, दरभा डिवीजन और पश्चिम बस्तर डिवीजन में 100 से ज्यादा नक्सलियों के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली है। इनमें 25 लाख रुपए का इनामी सुजाता, जयपाल और दिनेश भी शामिल हैं। अकेले दक्षिण बस्तर में ही दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले आते हैं। इन इलाकों में सरकार ने भी आंध्र प्रदेश स्ट्रेन को लेकर अलर्ट जारी किया था। अफसरों ने भी नक्सलियों के उसी स्ट्रेन से संक्रमित होने की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार PLGA बटालियन, CRC मेंबर और प्लाटून मेंबर ग्रसित हैं कोरोना से। पिछले 15 दिन पहले ऐसी खबर आई है कि पीड़िया क्षेत्र में गंगालूर, जो बीजापुर सुकमा का बॉर्डर है, वहां पर नक्सलियों का बड़ा जमावड़ा हुआ था। करीब 400 से 500 नक्सली जमा हुए थे। उसी समय एक्सपायरी मेडिसिन, एक्सपायरी फूड प्रोडक्ट्स खाने के कारण बड़ी मात्रा में फूड पॉइजनिंग हुई, और उसके बाद एक साथ सोशल डिस्टेंस है उसका फॉलो नहीं करने के कारण, मास्क ना लगाने के कारण संक्रमण कोरोना का उनके अंदर फैला है। करीब 200 से ऊपर माओवादी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, ऐसी प्राथमिक सूचना आ रही है हमारे पास ग्रामीणों की तरफ। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि कल रात करीब 8 से 10 माओवादियों ने अपने शव जलाए हैं जो कोरोना से या फूड पॉइजनिंग से मरे होंगे। निश्चित रूप से नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे चिंता का विषय ये है कि नक्सली अभी भी गांव में मीटिंग ले रहे हैं, गांव में जाकर रह रहे हैं, गाँव वालों के साथ संपर्क में हैं, तो जिससे कि अंदरूनी क्षेत्रों में गाँव में भी संक्रमण फैलने का खतरा है। ऐसी सूचना भी आ रही है कि नक्सली दवाई के लिए और वैक्सीन के लिए घूम रहे हैं और जुगाड़ में लगे हुए हैं। इन्फेक्शन के स्टेज में यदि वो वैक्सीन लगाएंगे तो उससे उनको और नुकसान हो सकता है, ग्रामीणों को भी नुकसान हो सकता है। निश्चित रूप से गांव में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। मैं नक्सलियों से अपील करता हूं कि वो लोन वराटू अभियान का फ़ायदा उठाएं, आत्मसमर्पण करें। पुलिस प्रशासन की मदद से उनके इलाज का पूरा जिम्मा लेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।